सर मेरे को टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प मिला, जो बायजूस एग्जाम प्रेप है इनकी टेस्ट सीरीज है उससे हेल्प मिला, और इनकी जो लाइव सेशंस रहते हैं और जो फ्री सेशंस रहते हैं ऐप पे उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। और जितनी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, जितनी टेस्ट सीरीज कर सकते हो करो, क्योंकि मेरे को मेन फायर टेस्ट सीरीज नहीं दी है। हेलो स्टूडेंट्स, बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा शो जहां पर हम लेकर आते हैं टॉपर्स और अचीवर्स को जिन्होंने अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया, और उनकी प्रिपरेशन जर्नी को उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। मैं हूं धीरज सरदाना, आज के लिए आपका होस्ट, और आज हमारे साथ है सिद्धार्थ वाधवा जिन्होंने गेट 2022 एग्जाम में AIR 4 इन XC पेपर हासिल की है, और इनके 90 मार्क्स है उस पेपर में आउट ऑफ 100, और 931 इज द गेट स्कोर। तो जानते हैं सिद्धार्थ के द्वारा कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। सो वेलकम सिद्धार्थ ऑन दिस शो। गुड मॉर्निंग सर। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो जान सके आपके बारे में। सर एक्चुअली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में रोहतक से, वहीं से मैंने स्कूलिंग करी है 12th तक। उसके बाद सर मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो करी मैंने NIT कुरुक्षेत्रा से, और मैं अभी करंटली वर्किंग हूँ। एक्चुअली 2019 में मैं पास आउट हुआ था, उस टाइम मेरी जॉब लग गई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, तो अभी मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं जॉब के साथ तैयारी करी है। ग्रेट। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन गेट? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फाइनल ईयर में था 2019 में, उस टाइम भी मैंने सर AIR 4 अचीव किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में। Yes, I feel one of our interviews already there at Byju's Exam Prep. Yes, sir. We have already one interview of yours. Yes, तो सिद्धार्थ सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि लास्ट टाइम आपने मैकेनिकल में AIR 4 लाया, इस बार XC में AIR 4, जनरली लोग गेट देते हैं PSU के लिए, आप ऑलरेडी PSU में जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद क्या मोटिवेशन था, मतलब कि आपने फिर से गेट दिया? सर एक्चुअली जो PSU की जॉब है वो काफ़ी मोनोटोनस सी रहती है, मतलब वहाँ पे सीखने का बहुत कुछ है बट वहाँ पे टेक्निकल थोड़ा कम है, मैनेजरियल ज़्यादा है, तो मेरे को भी आगे और पढ़ाई करने का मन था, तो मेरा मेन पर्पस इस बार था कि हायर एजुकेशन करना, तो इस चक्कर में मैंने दोबारा गेट दिया था ताकि वो कर पाऊँ। ओके, तो आपने जैसे गेट XC दिया तो आपको कुछ चेंजेस लगे, मतलब कि गेट ME की प्रिपरेशन और XC की प्रिपरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है मेजरली? सर मेजरली डिफरेंस ये है कि XC में आपके सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है, वहाँ पे आपका मैथ्स रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, और जो टेक्निकल जो मेन है उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रहता है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल साइंस मतलब, और सॉलिड मैकेनिक्स। तो जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल में, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ये वगैरह उसमें नहीं इंक्लूड होते, तो इसका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी रहता है ऐसा मुझे लगता है। तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था XC में? सर मैंने थर्मल इंजीनियरिंग एंड उसको सॉलिड मैकेनिक्स को चूज़ किया था। ओके, सो सॉलिड मैकेनिक्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स कंप्लीट पार्ट जो आता है। हाँ जी, साथ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी। यस यस, बहुत बढ़िया। तो सिद्धार्थ मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो स्टार्टिंग से ही आप XC को ही सोच के चल रहे थे, या फिर आपने सोचा था कि दोनों देंगे और देन वी विल सी? नहीं सर, एक्चुअली क्या रहता है ना सर, अगर आप जैसे जो सोच के चल रहे हो उससे ज्यादा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो मेरा सर मेन पर्पस तो मैकेनिकल था, XC तो मैंने एज अ प्रिपरेशन के लिए दिया था कि थोड़ी एक तरह से आपका मॉक हो जाएगा एक दिन पहले, वही सेम एनवायरनमेंट रहेगा, वही गेट रहेगा, तो मैंने XC मॉक के लिए दिया था। वो बात अलग है कि मेरी मैकेनिकल में थोड़ी सी पीछे रैंक आई है, 211 आई है, बट XC के गेट स्कोर से मुझे को बहुत फायदा मिलेगा। 211 इज ऑल्सो वेरी गुड रैंक, आप कुछ भी ले सकते हो उससे, एज ऑलरेडी AIR 4 आप अचीव कर चुके हो मैकेनिकल में, इसलिए मुझे थोड़ा ईजी रहा दोबारा तैयारी करना जॉब के साथ, थोड़ा मतलब मुझे रिलीफ मिला, ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। तो कैसे आप प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि आप जॉब भी ऑलरेडी कर रहे थे IOCL में, तो मतलब किस तरह से समय निकालते थे अदर देन जॉब? सर समय निकालना तो सर घर जाना बंद कर दिया था, जो भी था रूम पे ही, और बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया था बिल्कुल, मतलब यूँ था कि शाम में थोड़ा टाइम निकालता था आधा घंटे से 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप फेडअप हो आते हो, आपसे आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो एक्सरसाइज करता था मैं 30 मिनट्स टू 1 आवर अप्रोक्सीमेटली, और फिर उसके बाद जैसे बाहर घूमना बंद कर दिया, लोग जैसे दोस्त बाहर खाना पीने जाते हैं, जैसे कुछ खा लिया बाहर, तो वो मैंने बंद कर दिया, मैं वहाँ पे जो मैस है उसमें ही खाता था, और इसके अलावा जो मैं मोस्टली अपना सारा टाइम था इसी को देता था, मेरा मतलब यही था मेन तो सोना है, जॉब करनी है और स्टडी करनी है, इसके अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं था, मैंने TV नहीं ले रखा, कुछ भी नहीं ले रखा। ओके,
बस सो लाइक क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी पहले स्टूडेंट भी रहे हैं, तो बायजूस एग्जाम प्रेप ने इस बार आपको एक्सी के लिए कैसे हेल्प किया प्रिपरेशन में? सर मेरे को टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प मिला, जो बायजूस एग्जाम प्रेप है इनकी टेस्ट सीरीज है उससे हेल्प मिला, और इनकी जो लाइव सेशंस रहते हैं और जो फ्री सेशंस रहते हैं ऐप पे उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। ओके तो जैसे आपने टेस्ट सीरीज की बात की, तो व्हाट डू यू फील कि किसी भी स्टूडेंट को फुल लेंथ टेस्ट देने कब से शुरू करने चाहिए? जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कब से शुरू करना चाहिए हमको टेस्ट सीरीज देना। सर ये डिपेंड करता है, अगर जैसे आप स्टूडेंट हो, जैसे मतलब आप जॉब पे नहीं हो, आप कॉलेज में हो, तब अक्टूबर से मेरे को लगता है शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं जो कॉलेज में था मैंने अक्टूबर से शुरू कर दिया था, बट अभी मैं जॉब पे हूँ तो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, मैं नवंबर के राउंड शुरू किया था, नवंबर एंड दिसंबर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, उससे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग भी करने होते हैं, तो इस बार मैं नवंबर से शुरू किया था, लास्ट टाइम मैंने अक्टूबर से शुरू किया था। ओके तो जैसे आपने लास्ट टाइम भी प्रिपेयर किया, कंपैरेटिवली इस बार आपको मतलब कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कम करनी पड़ी, क्या लगा आपको? सर काफी कम मेहनत करनी पड़ी इस बार, क्योंकि पहले अगर अच्छी रैंक अचीव की हुई इसका मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर ही थे, मेरे को बस उनको ब्रशअप करना था। एक बार एक क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट पूछना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था कि सिद्धार्थ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये शॉर्ट नोट्स को लेकर हमेशा से डाउट रहता था, तो जनरली कुछ लोग पूछते थे, उनको लगता था कि बिना शॉर्ट नोट्स के कुछ हो नहीं सकता या हो सकता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, तो इस बार शॉर्ट नोट्स बनाए या अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे रहे? सर मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी है, मैं शॉर्ट नोट्स पे ना बिलीव नहीं करता, मैंने लास्ट टाइम भी मतलब कभी नहीं बनाया मैंने शॉर्ट नोट्स, ना कॉलेज में बनाए ना आप बनाए, बिकॉज मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स में मैंने वह कोशिश करी थी बनाने की, बट मैं एक्जैक्टली वही नोट्स कॉपी कर दिए थे जो मेरे मेन है, क्योंकि मेरे को लगा था सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ हम समराइज कर नहीं सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक मेरे को लगता था क्लियर नहीं है मैं वही पढ़ता था दोबारा, ऊपर से जब फुल रिविजन करनी होती है तब सारा पढ़ ही लेते हैं, तो शॉर्ट नोट्स मुझे लगता नहीं इतने फायदेमंद है। ओके तो व्हाट डू यू फील कि जो लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे आपने कॉमन सब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्मोडायनेमिक्स रहा, एक्सी में लेवल इज लिटिल बिट हायर और ऑन द लोअर साइड देन द मैकेनिकल पेपर? सर द लेवल वाज एक्चुअली लिटिल बिट हायर, एज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू कैन से जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 22 क्वेश्चन थे थर्मल साइंस के, और सॉलिड मैकेनिक्स के भी 22 थे, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से कई ईजी थे, कई कंपेरेटिवली डिफिकल्ट थे, बट जो समझो थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे वो गेट से नॉर्मली थोड़े डिफिकल्ट थे मैकेनिकल्स के। ओके मींस रिलेटिवली एक्सी थोड़ा सा अच्छे साइड पे रहता है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आपके कम है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है बट इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको नहीं अटेम्प्ट कर पाओ इतने हैं कि बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आपके 90 मार्क्स आए तो कटे कहाँ 10 नंबर? सर वो एक्चुअली वो जैसे मैथ्स का कई क्वेश्चन हो गए, कई वैसे एरर आता है कई बार, मतलब जल्दी जल्दी में 90 इज अ वेरी गुड स्कोर एक्चुअली। तो सिद्धार्थ एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जो हमारे एस्पायरेंट है डेफिनेटली वो भी जानना चाहते हैं कि फुल ऑन स्ट्रेटेजी, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जिन पर शुरू से काम किया जाना जरूरी है, तो अगर आप उनके लिए कुछ वर्ड्स कहना चाहें कि भाई जिनके साथ अगर वो जाएं तो अच्छी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। सर एक्चुअली आप स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी कह रहे हो, सर स्टार्टिंग से तो मेरी स्ट्रेटेजी की बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो जैसे अगर आप थर्मल पढ़ रहे हो तो हर चीज को अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि अगर आपने ये समझ नहीं आ रहा स्किप कर दिया तो ये गलत बात रहती है, एक बार स्किप कर दिया फिर हमेशा के लिए स्किप हो आता है, वो हमेशा ही डाउट रहेगा, तो जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो स्टार्टिंग में क्लियर करा करो साथ साथ, और जितनी क्वेश्चन आप लगा सकते हो जितनी टेस्ट सीरीज कर सकते हो वो करो, क्योंकि मेरे को मेन फायर टेस्ट सीरीज नहीं दी है, नोट्स तो मैंने 1-2 बार ही पढ़े हैं, और मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करता था, मान लो मेरे को सॉम पढ़े 2-3 महीने हो गए, तो मैं उसके बाद क्या करता था सॉम के प्रीवियस ईयर पहले लगाता था, उसके बाद मैं सॉम पढ़ता था ताकि मैं जो मेरे माइंड में पहले ही सारा फ्रेश हो जाए जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं और मेरे को कहाँ पे वीकनेस आ रही है वो मेरे को पता चल जाए। तो सिद्धार्थ जैसा कि आपने बताया एक और चीज जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कितने फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए और एग्जाम से कितना समय पहले मतलब टेस्ट देने बंद कर देने चाहिए, ये भी एक डाउट जनरली स्टूडेंट्स को। सर देखो फुल लेंथ टेस्ट जितने दो उतने कम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कितने देने चाहिए, इसी कोई लिमिट नहीं है, जितने दोगे उतना बढ़िया है, अगर ऐसे मैं सोचता हूँ कि 10-12 और देता कि रैंक 1 भी आ जाती, तो वो तो जितने दो उतने ज्यादा टेस्ट सही है, और बंद तो सर नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कि 2019 में जब मेरी मैकेनिकल में 4th आई थी तो हमारा 2nd फरवरी को पेपर था, तो मैं तो 1 फरवरी को भी अपना मैंने FLT दिया था, फुल लेंथ टेस्ट दिया था, बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि कल जिस टाइम मेरा पेपर है उस टाइम मेरे को नींद ना आए, मैं रूटीन सेट रहा है, तो एक दिन भी मैं रूटीन तोड़ नहीं रहा था। इस बार भी यही हुआ है, जैसे मेरा 12 फरवरी को एक्सी का पेपर था, 13 को मेरा मैकेनिकल का था, तो मैंने 11 तक पेपर दिया है। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता हो? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो सर मोस्टली सारे ही हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, सोम हो गया, मैथ्स हो गया, सर एक्चुअली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना जैसे प्रोडक्शन हो गया, इसमें थोड़ा डर लगता है, मेन तो प्रोडक्शन ही है, इसके अलावा एक मटेरियल साइंस भी प्रोडक्शन में आता है,
बाकी किसी में इतनी थ्योरी है नहीं। प्रोडक्शन में से वेल्डिंग कास्टिंग में वो थोड़े कई बार ज्यादा ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में घुस जाते हैं कि जो ये वेल्डिंग रोड है इसके क्या वो है, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसा होना चाहिए कास्टिंग। तो बट वो है कि वो अगर आपका गलत होगा सबका गलत होगा, तो इसलिए उसमें डरना नहीं चाहिए। सो सिद्धार्थ, आई वुड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू क्योंकि आपने लास्ट टाइम मैकेनिकल में AIR 4 लाया, इस बार XE में, मुझे लग रहा है 4 नंबर से आपको कुछ प्यार है या लगा हुआ है। सो इट्स ग्रेट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ सिद्धार्थ थे जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए बताई कि किस तरीके से आप XE एग्जाम का बेनिफिट ले सकते हो। लाइक अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो आई फील ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हो जाते हैं तो आप थर्ड ईयर में भी XE से पेपर दे सकते हो, जिसका एडवांटेज आप आगे ले सकते हो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सर फुल लेंथ टेस्ट जितने ज़्यादा दिए जाए उतने कम है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो उससे आप गलतियाँ जो एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो आप पहले ही कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय तक आपकी गलतियाँ होनी बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और भी बेनिफिट मिलता है आपको, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे कि एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं लगता। और इसके अलावा जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि शॉर्ट नोट्स इट डिपेंड्स कि कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बनाने हैं। इफ़ यू फील आपको बनाने चाहिए आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्लास नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा आप जानते हैं विद द जॉब अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके सिद्धार्थ कर सकते हैं जस्ट डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख करके, तो डेफिनेटली गाइज आप भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। तो आई फील आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन से। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट पे एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द अपकमिंग वीडियोस।